हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट फेबररी सो आज हम फेबररी मंथ की शुरुआत कर रहे हैं सो so, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे फॉर पीडीएफ ऑफ़ दिस वीडियो यू हैव टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम आई जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप आप पर आपको सारे पी डी एक साथ मिल जाते हैं सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो सो लेट स्टार्ट विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट फाइव क्वेश्चन इन क्वेश्चन से आपके इम्पोर्टेंट कर रिवाइज हो रहे हैं so, सो कोशिश करो आप इनके आंसर्स बता पाओ एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इनके आंसर्स पर मिल जाएंगे आप अपने आंसर क्रॉस चेक भी कर पाओगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू आंसर बाई यूर सेल्फ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट हैजैस द जी एस टी रेट ऑन इथनॉल मिन्ट फॉर ब्लैंडिंग अंडर इथनॉल ब्रैंडेड पेट्रोल प्रोग्राम टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम एटीन परसेंट तो अट्ठारह प्रतिशत से 18 परसेंट से जी को कितना कम किया गया यह आप बताइएगा कितने परसेंट अब जी है दिस इज द क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज भूटान हैज़ कन्फर्ड द कंट्रीज़ हाइस्ट सिविलियन अवार्ड नगा दैल गी खोर लो यानी कि ये जैसे हमारा सबसे हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का जैसे भारत रत्न है वैसे ही ये भूटान का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है तो किसे सम्मानित किया गया भूटान द्वारा आपको बताना है हमारे इंडियन है आपको बताना है इनका नाम थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ इनागरेटेड द हिस्टोरिक श्री रमना कली मंदिर ऑफ डाका पचास साल बाद इसे फिर से री इनाग्रेट किया गया एंड जिसे डिस्ट्रॉय किया था बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस इन 1971. तो आपको एग्ज़ाम में इस टेंपल की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है ये पूछा जा सकता है कि किसने इसको इनाग्रेट किया है बेसिकली इनागरेट किया है इसको री दोबारा बना के इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करके इसे बना दिया गया आपको बताना है ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मालाबार ट्री नेम एज ए स्टेट बटरफ्लाई तो एज ए स्टेट बटरफ्लाई आपको एक और स्टेट भी आपको जरूर, जरूर याद आई होगी जिसने केसरी हिंद को अपना स्टेट बटरफ्लाई स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया है वो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस स्टेट की बात करूँ केसरी हिंद फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है गोल्डन पीक ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी का नाम बताइए सो so, शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज वॉर्न विच मेडल इन वुमेन एशिया कप हॉकी दो हजार बाईस तो कौन सा मेडल हमने जीता है यह आपने बताना है हमने चाइना को हराया जी एंड हमने जीता है ब्रॉन्स मेडल ओके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पूरा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में देखो ये कब से कब हुई ये 21 से लेकर 28 जनवरी के हुई ये कहाँ पे हुई ये इंपॉर्टेंट है ओमान में ये हुआ है जी ये टूर्नामेंट एंड ये आपसे होस्ट कंट्री भी पूछा जा सकता है इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल हमने चाइना को हराया ओके अब इसमें गोल्ड किसने जीता जी जापान ने साउथ कोरिया को चार दो से हरा के इसका फाइनल जीता एंड यानी कि गोल्ड जापान ने जीता आपने क्या याद रखना है इंडिया को कौन सा मेडल मिला ब्रॉन्ज मेडल किसको हराया हमने चाइना को हराया कहां पे हुआ ये टूर्नामेंट ये मास्कट ओमान में हुआ गोल्ड किसने जीता जापान ने जीता और साउथ कोरिया को हरा के तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया जॉयट मेटा हैज पार्टनर्ड विथ इंडस्ट्री बॉडी द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ इसने आपस में समझौता किया है बेसिकली वुमेन इंपावरमेंट के लिए डिटेल हम पूरा देखेंगे अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि फिक्की के चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं फिक्की के हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में है एंड इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जी संजीव मेहता अभी कुछ टाइम पहले बने थे संजीव मेहता एंड मेटा आप लोग जानते हो फेसबुक ने ही अपना नाम चेंज लाइक इस कंपनी न्यू नेम ने जो मेटा है मेटा ओके एंड अभी मेटा कल ही मैंने आपको बताया था मेटा ने अनाउंस किया कि बाय द मिड ऑफ 2022 यानी कि इसी साल के बिटवीन यानी कि जून जुलाई तक वर्ल्ड का मोस्ट फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर होगा जो आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर होगा तो सबसे फास्टेस्ट भी होगा वो मेटा बनाएगी ओके okay. तो वो आप जरूर ध्यान रखें वो कल हम कवर कर चुके हैं मैं रिवीजन करवा रहा हूँ नाउ अंडर दिस एमओयू जो आपस में समझौता हुआ इस इनिशिएटिव के तहत जो इनिशिएटिव है अंडर हैश टैग शी मीन्स बिजनेस प्रोग्राम इन इन्हें पार्टनरशिप विद फिकी इम्पावरिंग द ग्रेटर फिफ्टी परसेंट इनिशियेटिव एंड इको सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सारा काम किया जाएगा तो ये चीज़ें आप याद रखें मार्क जुकरबर्ग जो सी ई ओ हैं मेटा फेसबुक के ओके फेसबुक का नाम ही मेटा पड़ गया आप वर्ल्ड लेप्रोसी डे दो हज़ार बाईस इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया गया ये आपने बताना है तो इसे ऑब्जर्व किया गया तीस जनवरी यानी कि जिस दिन हमने ऑब्जर्व किया है मार्टियर्स डे ओके कई बार लेपरेसी पूछ लिया जाता है कि ये डिजीज़ रिलेटेड टू किसके है स्किन के है हार्ट के है इस तरीके से तो ये आपको याद रखना है इज रिलेटेड टू तो स्किन डिजीज आई है ओके एंड इसमें थीम भी आप याद रखें यूनाइटेड फॉर डिग्निटी ये भी ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हेड क्वार्टर्स इसके आपको मुंबई में मिलेंगे एच के जो न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी याद रखें पिक्चर भी आपके सामने चरणजीत सिंह इनका भी निधन हो गया कार्डिक अरेस्ट आ, हार्ट अटैक की वजह से हिमाचल हिमाचल प्रदेश के थे बेसिकली ये एंड आपको ये बताना है कि किस टीम में इन्होंने एज ए कैप्टन किसी टीम के कैप्टन थे यानी कि किस स्पोर्ट्स में थे ये हॉकी क्रिकेट कबड्डी फुटबॉल तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए हॉकी ओके नाइनटीन में नाइनटीन सिक्सटी टोक्यो ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल भी हमने जीता था उस टाइम कैप्टन भी थे तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये जी चरणजीत सिंह रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है तो ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं जी एयर इंडिया फॉर्मली हैंडेड ओवर टू टाटा ग्रुप तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ दिस डील तो टोटल वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो टोटल वैल्यू ऑफ दिस डील इज 18000 करोड़ ओके 18000 करोड़ नेक्स्ट इज एंड अभी रिसेंटली रतन टाटा को लाइक like, uh, असम का हाई सिविलियन अवार्ड से आ, सम्मानित किया गया वो आप ज़रूर ध्यान रखें एंड आसाम सरकार द्वारा यू you नो know, अपना ये डिसाइड किया गया था कि वो लाइक ऑफ इट्स आउन काइंड देने वाला है जैसे भारत रत्न दिया जाता है आ, जैसे भारत रत्न तो ओवरऑल हमारा सबसे हाई सिविलियन अवार्ड है तो इसी तरीके से आसाम रत्न देगा इसी तरीके से आ, आ, आसाम पद्मश्री श्री आसाम लाइक पद्म विभूषण इस तरीके से आसाम सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है वह आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है जी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के हेड क्वार्टर्स वॉशिंगटन डी सी में क्रिसलिनो जॉर्ज की डी डायरेक्टर जनरल है एंड अब आपको इसमें बेसिकली ये बताना है इसके रिलेटेड एक इं, इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटी अभी न्यूज़ में थी लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट बता पाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई के रिलेटेड एक हमारी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वुमेन पर्सनैलिटी तो आपको बताना है कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा करूँ आई होप आपको वो चीज़ आप रिलेट कर पा रहे हो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सो कमेंट डाउन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी अभी आई के रिलेटेड थी तो आप आपको इसमें यह बताना बेसिकली इस क्वेश्चन में है कि जो हमारा इकोनॉमिक uh, ग्रोथ को जो फॉरकास्ट किया गया फॉर द प्रजेंट फाइनेंशियली जो हमारा चल रहा है तो नाइन पॉइंट फाइव दिया था इसने अब इसको घटा के कितना किया है नाइन कर दिया आई एम एफ द्वारा जयमोरा कैस्ट्रो विच कंट्री कंट्रीज इट्स फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट तो फर्स्ट एवर फीमेल प्रेजिडेंट बनने जा रही हैं जैमोरा कैस्ट्रो तो आपको बताने किस कंट्री की तो नेम ऑफ दिस कंट्रीज हॉन्डरस ओके हॉन्डरस बेसिकली एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है बस आप इतना याद रखो कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप ध्यान रख सकते हो ओके नेक्स्ट इज हुज़ वॉन् द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल ओके okay, पैरक पैरक ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन तो ये आपको बताना है कि किसने जीत लिया ये वुमेन सिंगल का पूछ रहा है तो वुमेन सिंगल जीता है एसले बार्टी ने ओके शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ बात करते हैं मैन सिंगल का किसने जीता है जी मैन सिंगल का जीता है रफाल नाडल ने ओके okay, रफाल नाडल इज फ्रॉम विच कंट्री इज फ्रॉम स्पेन ओके याद रखें एंड डैनियल मैडवीडेव को हराया इन्होंने ही इज फ्रॉम रशिया रिलीज फ्राम स्पेन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक न्यूली रिलीज बुक टाइटल ऑफ दिस बुक इज द टेन ट्रिलियन ड्रीम द टेन ट्रिलियन ड्रीम ओके तो यह आपको बताना है लाइक like, ये ऑथर कौन है इस बुक के बुक uh, okay. and, uh, इस बुक के ऑथर है सुभाष गर्ग हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी इनके द्वारा ये बुक लिखी गई द टेन डॉलर ट्रिलियन ड्रीम ओके एंड अब इसमें आपको प्राइट नाउ हमारे कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी होप आपको याद होगा टी वी सोमनाथन ओके okay, वो आप ध्यान रखें द बुक टाइटल फेयरलेस गवर्नेंस बुक टाइटल फेयरनेस गवर्नेंस इज ऑथर्ड ये आपसे पूछ रहा है तो पहचान लिया आपने हमारे इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ओके okay, याद रखें इंपॉर्टेंट बुक है ये ओके ऑल नाउ अब जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ एंड आई होप आपने कोशिश की होगी बताने की ओके okay, आप कोशिश करोगे तो फॉर श्योर बेनिफिट आपको मिलेगा जो जीएसटी रेट टी रेट स्लैश किया गया फ्रॉम एटीन परसेंट टू फाइव परसेंट याद रखें नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इनको सम्मानित किया गया बट भूटान के हाई सिविलियन अवार्ड से हिस्टोरिक श्री रमना काली मंदिर ऑफ डाका इसे इनाग्रेट किया हमारे प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा बांग्लादेश डाका में वे स्टेट गवर्नमेंट मालाबाद ट्री ने ये गोवा द्वारा डिक्लेयर किए गए एंड केसरे हिंद वो अरुणाचल प्रदेश द्वारा डिक्लेयर किया गया ओके स्टेट बटरफ्लाई वो ध्यान रखें उसके बाद uh, किस ऑर्गेनाइजेशन को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी चेयरमैन है सोमा मॉडल वो आप ध्यान रखें तो ये हो गए थी आंसर्स ना एक क्वेश्चन है आपके लिए इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके रिसेंटली विद स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 15 परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन नॉन गैस्टेड पुलिस पोस्ट तो किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा डिक्लेयर किया गया है जिसमें अनाउंस किया गया पंद्रह प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा इन नॉन गैस्टेड पुलिस पोस्ट तो ये आपने बताना है कमेंट करिए सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिविजन हुआ उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन थैंक यू गाइस टेक केयर एंड सी यू सून